हेलो, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग घर से ही शुरू कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अपनी ब्लैक पैंथर कैसी लग रही है। एकदम मस्त वाली लग रही है। कुछ मॉडिफिकेशन करता पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वो जाकर देख सकते हैं। तो आज बहुत सारे मेरे पास दोस्तों के या जो मिलने वाले राइडर उन लोगों के सवाल थे, तो वो सवाल क्या क्या थे तो आगे अपन बात करेंगे। तो अभी अपन ने गाड़ी थोड़ी साफ आप कर दी है, लगता है आगे वाले चक्के में थोड़ी हवा भरानी पड़ेगी ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखते हैं हवा भराते हैं, अगर मौका पड़े तो हवा भरा देंगे, नहीं तो आज छोटी बड़ी वीडियो बना के ले करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, ब्लॉग कम आ रहे हैं, तो अभी ब्लॉग कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर ब्लॉग बने, एक दिन छोड़कर एक दिन अपन ब्लॉग डाल सकें आपके लिए अच्छे अच्छे। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज की राइड यहीं से शुरू करते हैं मोटो ब्लॉगिंग। तो पहले करते हैं गणपति बाबा मोरिया, जय श्री राम, और बाइक स्टार्ट करते हैं और फिर चलते हैं। ये रूट तो आप रेगुलर देखते हो, तो आज अपन हाईवे राइड करेंगे और हाईवे राइड पर ही मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में कौन से आपके क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो एक तो आज की राइड यहाँ जरूर, ये रोड कुछ अलग लग रही होगी, जो जोधपुर में होते हैं वो रोड पहचान सकते हैं। ये हाईकोर्ट के सामने वाली रोड है, तो ये आप लोग पहचान सकते हो। तो यहाँ छोटी बड़ी अपन रील ले क्रिएट करेंगे और अभी अपन ब्लॉग शूट कर रहे हैं आज का यहीं पर ही। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन था कि RS 200 नॉन स्टॉप कितने चला सकते हैं। तो अगर RS की कहें तो RS है 200 cc की, 200 cc की बाइक, इसमें रेडिएटर लगा हुआ है। जैसे कार में रेडिएटर लगा हुआ था, उसमें इसमें भी रेडिएटर लगा हुआ है। तो रेडिएटर लगी हुई, तो एक गाड़ी कम से कम, ये जो गाड़ी है, आप होटल का नज़ारा देखो कितना प्यारा लग रहा है, होटल का व्यू। तो ये होटल का व्यू देख कर फिर अपन बात करते हैं आगे वापस। तो अपन लोग बात कर रहे थे कि 200 cc गाड़ी नॉन स्टॉप कितनी चल सकती है। तो मैक्सिमम मॉडल के ऊपर डिपेंड करेगी, आपका कितना नया मॉडल है पुराना मॉडल है उस पर डिपेंड करेगी। जैसे मेरी ये गाड़ी 2015 मॉडल है, तो मिनिमम कम से कम 100 किलोमीटर अपन इस गाड़ी को भगा सकते हैं नॉन स्टॉप। आगे और बात करते हैं, एक मिनट थोड़ा कोई गैप लेते हैं। डिपेंड करता है कि सर्दी है गर्मी है, मौसम कैसा है, मौसम के ऊपर, और ख़ुद की कैपेसिटी कितनी है, और गाड़ी का आपने गाड़ी को मेंटेन कैसे कर रखा है। जैसे मेरी 2015 मॉडल पे मेंटेन आज भी न्यू गाड़ी जैसी मेंटेन कर रखी है, तो मैं मैक्सिमम कम से कम 100 किलोमीटर मैंने चलाई अभी तक नॉन स्टॉप का मतलब ये होता है कि गाड़ी को कहीं पर भी ब्रेक देना नहीं है, उसका मतलब था नॉन स्टॉप। और अगर आप ब्रेक दोगे तो आप समझ सकते हो कि चला सकते हो। और नई गाड़ी तो आप मिनिमम 150 किलोमीटर, 150 से 200 किलोमीटर आप चला सकते हो, पर मैं 100 किलोमीटर चलता हूँ। मैं मेरी बताऊँ, उससे सेफ रहती है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती, अपन भी थकते नहीं हैं, सारी चीज़ें ये चीज़ें देखकर 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होती है। बाकी आप 200-300 भी खींच सकते हो, पर कंपनी कहती है 400 किलोमीटर लमसम। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि RS 200 क्योंकि इसमें रेडिएटर लगा तो ये 400 किलोमीटर चल सकती है। हाँ, सर्दी में आप 120-130 चला सकते हो, एक ठंडा मौसम है उसमें भी आप ज़्यादा चला सकते हो, बट मेरा मानना 100 बहुत ज़्यादा रहेगी और 100 सेफ रहेगी, 100 से ज़्यादा चलाना ठीक नहीं है। और कोई आपके इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिसे मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे दूँगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट राइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पुश करो। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।